आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। जरा ध्यान से समझेंगे बेटा क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन में और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हाउ मैनी 3-डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, अज्यूमिंग दैट फर्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या कह रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, और सेकेंड में बेटा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। हमें बनाना है बेटा एक 3-डिजिट नंबर, ठीक है, एक 3-डिजिट नंबर। मान लीजिए ये फर्स्ट डिजिट हो गया, ये सेकंड डिजिट हो गया और ये थर्ड डिजिट हो गया। ऐसा कोई 3-डिजिट का एक नंबर बनेगा। इसके अंदर आप क्या क्या फिल कर सकते हो, आप 1 फिल कर सकते हो, 2 फिल कर सकते हो, 3 पर कहीं पर भी कोई सा भी नंबर फिल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फर्स्ट केस में बेटा क्या है, रिपीटेशन जो है वो अलाउड है। तो इफ वी मेक या फॉर्म अ 3-डिजिट नंबर, डिजिट नंबर, सिंस रिपीटेशन इज अलाउड, अलाउड बेटा रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। तो जरा समझिए मैं यहां पर यूनिट डिजिट पे क्या क्या पुट कर सकता हूं। मेरा मन करेगा तो मैं 1 पुट करूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं 2 पुट करूंगा, मेरा मन करेगा तो 3 पुट करूंगा। तो बेटा यहां पर मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। सो वी कैन फिल यूनिट डिजिट या प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट इन 5 वेज। कितने तरीके से बेटा फिल कर सकता हूं, 5 वेज से। मान लीजिए मैंने यहां पे 3 पुट कर दिया, अब यहां का नंबर आ गया, यहां पर मैं क्या क्या पुट कर सकता हूं। बेटा मेरा मन करेगा मैं 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा। सर 3 तो आप पुट कर चुके हो, दोबारा कर सकते हो, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो बेटा यहां पर भी मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। सो वी कैन फिल द प्लेस ऑफ टेंस डिजिट इन 5 वेज, एनी प्रॉब्लम। सिमिलरली एंड वी कैन फिल द प्लेस ऑफ हंड्रेड्स डिजिट इन 5 वेज। यहां पर भी बेटा मैं क्या कर सकता हूं, 5 वेज में। तो फ्रॉम, हाँ जी, कहां पर फॉर्म, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, लो भाई फॉर्म बाय FPC फर्स्ट प्रिंसिपल कैलकुलेशन, ठीक है, या फिर बेटा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। क्या होता है बेटा जितने वेज होते हैं, मान लीजिए ये डिजिट है n डिफरेंट वेज में यहां पर प्लेस कर सकते हो, यहां पर n डिफरेंट वेज में यहां पर प्लेस कर सकते हो, n डिफरेंट वेज में यहां पर, तो जितने भी वेज हैं आप उन सभी को क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। बेटा आंसर कितना आ जाएगा, 125। बताइए कोई दिक्कत, अच्छा यही पूरी थ्योरी बेटा आप दोबारा से लिखोगे, लेकिन आप लिखोगे बेटा सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर बेटा रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। अरे बेटा समझाना तो पड़ेगा ना यार, आप जब एग्जाम में लिख रहे होते हो तो इसका मतलब आप ये समझिए कि टीचर को कुछ भी नहीं आता, वरना अगर ऐसा होता तो आप आंसर लिख कर आते, टीचर खुद ही कर लेता सब कुछ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको टीचर को समझाना है कि यहां पर मैंने 5 क्यों पुट किया,
तो इसका मतलब थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने 5 क्यों पुट किया, यहाँ पर मैंने 6 क्यों पुट किया। शॉर्ट में लिख देना, शॉर्ट में समझ जाओ, तो शॉर्ट में मार्क्स भी तो बेटा शॉर्ट हो सकते हैं आपके मार्क्स भी। कहने का मतलब यह है कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा एक्स वाई जेड, अगर आप शॉर्ट लैंग्वेज में समझा सकते हो, बात पूरी होनी चाहिए तो आप कर सकते हो। समझ में आ रही बात या नहीं? अब बेटा यहाँ पर देखो स्पेस कम है, तो बेटा मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट में आप ऐसे लिखोगे सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो बेटा जरा ध्यान से समझिए क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर कितने ऑप्शन है, मैं यहाँ पर क्या क्या पुट कर सकता हूँ, भाई जो मन करेगा वो पुट करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर 5 डिफरेंट वेज हैं, लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 पुट कर दिया और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो बेटा अब आप 3 पुट नहीं कर सकते हो। अब आपके पास कितने वेज बचे? 4। तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस बचे, 4 नहीं बचा, 4 वेज बचे या 4 ऑप्शंस बचे। मान लीजिए आपने यहां पर 5 पुट कर दिया, तो बेटा 5 भी डिलीट हो गया, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब हमारे पास बेटा कितने ऑप्शंस बचे हैं? सिर्फ 3। तो यहां पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि जितने भी वेज हैं आप उन सभी को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो फ्रॉम एफपीसी फर्स्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेटा मैं आपको फिर से बता दूं, आपको यहां पर थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया। तो इसको करोगे 20 और 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज, तो इन 5 नंबर से 60 डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं, जब रिपीटेशन अलाउड भी नहीं होगी तब। और अगर रिपीटेशन अलाउड कर दी तो पता है आपको कितने नंबर बन सकते हैं, सिर्फ 3 डिजिट से 125 डिफरेंट डिजिट्स बन सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज नोट इट डाउन।